अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई विद स्माइल वीकली मार्केट रैपअप के साथ हाजिर है। अगेन इस वीक की क्लोजिंग जो देखें हम, जो इसकी जो क्लोजिंग थे उससे नीचे हुई है, और ये जो ओपनिंग थी इसकी, मैं आपको ये जरा और इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। ये देखें, ये वाली कैंडल जो है, ठीक है, ये इसकी जो है ओपनिंग थी, ये क्लोजिंग थी। तो ये क्लोजिंग ही जो है, मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रे बना देता, ये क्लोजिंग वीकली पे इसके जो है रेजिस्टेंस एरिया है, ये वाला एरिया जो है वो रेजिस्टेंस एरिया है। इसको मैं ये रेड कलर दे देता हूं। ये अच्छा, अब ये देखें, इस वीक में इसको रीटेस्ट भी किया इसने, 48,200 के अराउंड जो है, ये जो है 217 बनता है, और इसमें जो वीक का हाई है 48,234 का, तो ये इस वीक पे इसने इसका हाई भी किया यहाँ पे, और अनफॉर्चुनेटली वहां से हमने फिर रिजेक्शन विटनेस की। फिर ये जो इसने ये इस लेवल को रिटेस्ट किया 47,000, जो मैंने पहले ही बोला था कि ये 47,000 का लेवल जो है, एक्चुअली ये वो ये लेवल है 47,083, लेकिन वी आवरली पे जो है वो 47,000 के अराउंड सपोर्ट जो है वहां पे मिल रही थी हमें। तो ये आवरली बेस पे जो सपोर्ट नजर आ रही थी उसको ऑनर भी किया है। ये वाला मैं आपको इसको ग्रीन कलर दे देते हैं, और इस पर क्लोजिंग जो आई है वो 47,600, मतलब जब से इसने ये इसको ऑनर किया है, तो वहां से तकरीबन हमने इसमें जो क्लोजिंग बेस पे देखें तो तकरीबन 671 पॉइंट का हमने इसमें इंक्रीज विटनेस किया है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम देखें तो वॉल्यूम जो है वो इतने ज्यादा इंक्रीज नहीं हुए। हम यहां से शुरू करते हैं, 4 अगस्त जो जुम्मा था, 4 अगस्त की जो क्लोजिंग थी वो थी 48,585, ठीक है, ये वाला। जब भी मैं कब से कह रहा था कि ये 600 का लेवल, मैंने टू बी ऑन द सेफ साइड बोला था कि इसकी इसका जो ओपनिंग है, सॉरी इसकी जो क्लोजिंग है, इसके ऊपर एटलीस्ट मार्केट को सस्टेन करना अच्छे वॉल्यूम के साथ एंड विथ इंक्रीज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये होना बहुत जरूरी है फॉर फर्दर अपसाइड। तो अनफॉर्चुनेटली वहां से हमने जो है डिक्लाइन विटनेस किया। एक तरह से समझे मार्केट एक ये लोअर हाई करती हुई डाउनवर्ड चैनल में आ गई है। वीकली बेस पे देखें, मैं आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी जो है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ बना के। अच्छा, आप मेरे साथ साथ इसको जरा सीखते भी रहे ट्रेंड लाइन को। मकसद ये सब चीजें बताने का, थोड़ा लेंदी वीडियो हो जाती है, इसलिए हो जाती है कि जो सीखने वाले उनके लिए थोड़ा अच्छा बेनिफिट हो जाता है, उनको जरा टाइम मिल जाता है थोड़ा सीखने का। बाकी जिनका इंटरेस्ट नहीं है वो जो है वो आगे स्किप कर दें ये, और आगे देख लें वीडियो कि भाई आगे क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है। लेकिन अगर सीखेंगे तो ये आपके आने वाले दिनों में काम आएगी ये चीजें। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो ये कि यहाँ से ये डाउनवर्ड चैनल शुरू हो गया है। इसको भी हम अगर नीचे पे यहाँ पे बना लें, एक ये डाउनवर्ड चैनल इन द शेप ऑफ फॉलिंग वेज, ठीक है। तो वैसे तो देखें कि RSI देखें तो यहां पर जो था 74 पे था, और अभी इस वक्त जो है 68 पर है। तो RSI वीकली पे अभी थोड़ा सा अभी भी ज्यादा कहलाएगा। डेली पे भी अगर हम एक नजर डाल लें तो डेली पे अगर हम RSI देखें तो भी 56 पर है, समझे 60 के करीब करीब है। तो थोड़ा यहाँ से 60 to 70 यहाँ से हायर साइड पे कराता है, जिसको हम टेक्निकली ओवरबॉट जोन बोलते हैं। तो ओवरबॉट जोन में तो नहीं है, लेकिन अभी ये सक्रिय साइड लाइन एक तरफ से है। ये देखें डेली के हिसाब से देखें तो यहाँ पे ये मार्केट इस वक्त साइड लाइन नीचे, यहाँ पे यहाँ इस एरिया पे ये साइड लाइन है, जो इसका लोअर बैंड है, यहाँ आप देखें ना 47,440, ये यहाँ पे इस वक्त ये साइड लाइन परफॉर्म कर रही है। नीचे देखें आती है मार्केट, पर यहाँ से सपोर्ट हम विटनेस करते हैं। तो अभी इस वक्त देखें तो क्लोजिंग, जाहिर सी बात है जुम्मे का दिन था, मैंने पहले भी कहा था रोल ओवर वीक है, और मैं पिछले 3 हफ्तों से कह रहा हूं कि बी कॉशियस बी केयरफुल, और उसकी वजह यह है कि मैं वापस वीक पे आ जाता हूं, उसकी वजह यह कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो डिक्रीज हो रहा था और वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहे थे। देखें यहाँ पे जो है, जो इस वीक में जो हाई लगा था सबसे ज्यादा, उसमें जो है 1.45 बिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ था। फिर मार्केट नीचे आना शुरू हुई लोअर हाई करती हुई,
तो 1.03 बिलियन, फिर इसके बाद 462 मिलियन, फिर अब इस वीक जो है जो एंड हुआ है 25 अगस्त को, उसमें 418 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ है। इसी तरह मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो जब हाई किया था मार्केट ने सबसे ज्यादा, तो उस पर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो था 7,290 बिलियन रुपीज। फिर इसके बाद इसके नेक्स्ट वीक में डिक्रीज होना शुरू हुआ 7,232 बिलियन रुपीज, सॉरी। फिर इसके बाद डिक्रीज होके 7,188 बिलियन रुपीज, और इस वक्त जो है विद डिक्रीज जो है अबाउट 92 या 96 बिलियन रुपीज है। उसके साथ देखें तो 7,092 बिलियन रुपीज। अच्छा, 7,000 जो है ये हमारा बेंचमार्क था, इसको क्रॉस करके नेक्स्ट जो बेंचमार्क था वो 7,500 का था, लेकिन तकरीबन तकरीबन समझिए 7,300 के करीब पहुंचा। तो उस पर मैंने कहा था खाली 200 बिलियन रहेंगे, अगर ये होता है तो एक हमारा एक और माइलस्टोन अचीव हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां से फिर हमने डिक्रीज विटनेस करना शुरू कर दिया, यहां से फिर नीचे मार्केट आती गई है। अच्छा, जब मैं वीडियो बनाता था वीकली तो मैं आपको बोलता भी था कि कुछ शेयर हैं, क्योंकि रिजल्ट सीजन है और इसमें कुछ ओजी पीपीएल इन सब की कुछ न्यूज थी, एक्सप्लोरेशन जो है आपका उसके हवाले से मारी गैस का मैंने शेयर किया था, तो इनमें जरा एक्टिविटी ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा जनरेट हो रहे हैं, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो इसकी वजह से मार्केट, क्योंकि इनका वेटेज ज्यादा है ओजी पीपीएल स्पेशली इनका एंग्रो का, तो इनकी अनाउंसमेंट आती है, अच्छे जो है बड़े स्टॉक है उनकी जिनकी अनाउंसमेंट आती है। पावर सेक्टर बहुत अच्छा मूवमेंट आप जो है मिला इसमें, हमने देखा जब 13 रुपए के अराउंड था तो मैंने बोला था एलपीएल ले लें, बहुत अच्छा, उस पर एम्फेसाइज मैंने ज्यादा किया था। फिर इसके बाद मैंने बोला था आपको एसपीडब्ल्यूएल, एनसीपीएल, एनपीएल, ये पावर सेक्टर आपको आगे जाके अच्छा गेन देंगे, तो काफी मतलब समझे 100% से भी ज्यादा एलपीएल में गेन मिला तकरीबन। इसी तरह 10-12 रुपए का इसमें एनसीपीएल में गेन मिला हमें, 16 रुपए से था ऊपर गया, तो यह एनपीएल है, सॉरी एनपीएल में हमको गेन मिला 16 रुपए का था, और यहाँ से हमने फिर 10-12 रुपए का यहाँ से इसमें भी गेन देखा। बहरहाल तो ये इनके पॉइंट्स थे जो ऐड होते गए इंडेक्स में, और ये जो रैली थी ये इसी की रैली थी एक्चुअली। बाकी आप दूसरे स्टॉक देखें उसमें कोई रैली नहीं बन रही थी, मैं पहले भी कहता रहा था बी कॉशियस, दूसरे आइटम में है कोई रैली नहीं बन रही है इस वक्त, कोई मतलब समझे ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री को कोई भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है स्टॉक। तो अभी इस वक्त देखें फिलहाल ये हमारी ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री वीकली बेस पे अगर हम देखें, ये ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री हमारी कहलाएगी। यहाँ पे इसको मैं ये ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री लिख देता हूँ, इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, मैंने पहले भी बोल दिया था ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री का शॉर्ट फॉर्म में बीटी, ठीक है। तो इस वक्त ये ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री जो है वो बिटवीन 48,217 से लेके 48,611, ठीक है, ये हमारी एक ये ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री है। 48,600 समझ लें, ये उसको मैं थोड़ा सा ऊपर है थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ये ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री है हमारी। तो इसके ऊपर ब्रेक करके मार्केट अगर सस्टेन करेगी विद इंक्रीज इन वॉल्यूम और जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन मेरा सबसे बड़ा इंडिकेटर है, सबसे इंपॉर्टेंट वाइटल जो है ये मेरा का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, क्योंकि आप जब जब भी इसमें डिक्रीज देखते हैं तो मार्केट नीचे आ रही होती है, तो ये आप इसको देख सकते हैं कि मार्केट अभी मुसलसल नीचे आ रही है और फॉलिंग वेज बना रही है वीकली पे, तो होपफुली हो सकता है कि अगर ये इसको ब्रेक करे तो बहुत अच्छा यहाँ से जंप हम आगे की तरफ देख सकते हैं। लेकिन अगर ये फॉलिंग वेज का मैं आपको बता दूं, अगर फॉलिंग वेज ब्रेक होता है, ब्रीच करता है यहाँ से लेवल, फॉलिंग वेज ब्रीच करता है तो फिर ये नीचे भी मार्केट आ सकती है। इवन इसका जो ये इसके ओपनिंग है यहाँ तक भी मार्केट हम विटनेस कर सकते हैं, ये लेवल यहाँ पे बन रहा है, नेक्स्ट लेवल जो है वो समवेयर अराउंड 46,090, ये मैंने पहले भी सोशल मीडिया में कह दिया था कि अगर ये 47,000 ब्रीच करता है तो फिर नेक्स्ट लेवल 46,000 के अराउंड है, 46,092 बन रहा है, इसको भी मैं ये ग्रीन कलर दे देता हूँ। तो ये लेवल्स हैं इस वक्त अगर आप देखें सपोर्ट के, और ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री तो करीब है। अच्छा, अब इसमें कैसे पता चले वीक ऑन वीक बेसिस से कि मार्केट साइडवेज है, ठीक है साइडवेज रहेगी या नीचे आएगी, तो बेस्ट इसके बाद जो बेस्ट इंडिकेटर है टेक्निकली वो है सीपीआर, जिसके हम बैक टेस्टिंग कर रहे हैं। सीपीआर का मैं आपको बहुत पहले 2-3 दफा बता चुका हूँ मेरी पिछली वीडियो में, देख सकते हैं कि सीपीआर आप अपने हिसाब से कैसे बना सकते हैं। अच्छा, फिर मैंने ये भी बोला था कि
कि ट्रेडिंग व्यू में जो है अब केसी इंडेक्स का और इनके स्टॉक्स का अगर आपके पास अपग्रेडेड है ट्रेडिंग व्यू, तो उसमें भी आप जो है सीपीआर देख सकते हैं। मुख्तलिफ लोगों ने, जिस तरह मैं अपना बना रहा हूँ, मुख्तलिफ लोगों ने अपने नाम से बनाए हुए हैं, तो आप देखेंगे सीपीआर की, अगर आप सीपीआर सर्च करेंगे उसमें तो लंबी लिस्ट नजर आएगी जिन्होंने अपने अपने सीपीआर बनाए हुए, तो आप अपना भी बना सकते हैं और उनका भी यूज कर सकते हैं। तो ये मेरा अपना बनाया हुआ, इसका फॉर्मूला मैं पहले ही बता चुका हूँ मैं क्या क्या यूज करता हूँ। बैक टेस्टिंग में देखें हर तरह की चीजें मैं यूज करता हूँ, तो वो मैंने आपको समझा दिया था कि मुख्तलिफ तरीके से मैं इसको ये बैक टेस्ट कर रहा हूँ इसका। तो सबसे पहले तो सीपीआर होगा इसका, ठीक है ना। तो सीपीआर में अगर देखें इस वक्त जो इसका अपर बैंड है 47,872 का, ये वाला, ठीक है। अभी इसके ऊपर जो मार्केट परफॉर्म नहीं कर रही है, मार्केट आई है इस तरफ, इसका जो मिडिल बैंड है मार्केट उस तरफ क्लोज हुई है। इसका मिडिल बैंड जो है 47,672 का है और मार्केट 672 के अराउंड ही करीब ये यहाँ पे क्लोज हुई है। अब यहाँ से अगर मार्केट यहाँ साइडवेज होती है, ऊपर जाती है फिर यहाँ पे क्लोजिंग देती है, तो दैट मीन्स कि मार्केट साइडवेज है। अगर यहाँ पे क्लोजिंग देती है तो अगेन लोअर लो, ठीक है ना, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, अब लोअर लो भी करती है मार्केट आ रही है, तो एक ये नया लोअर लो होगा। इसके बाद अगर मार्केट इसके नीचे परफॉर्म करती है, फॉर सपोज समझ लें 47,000 के अराउंड और 47,000 से लेकर 47,500 टू बी ऑन द सेफ साइड, यहां तक परफॉर्म करती है इसको, मतलब मिडिल बैंड को ब्रेक करके ऊपर परफॉर्म नहीं करती है, तो फिर ये नीचे आने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि मार्केट इस वक्त अगर हम देखें तो डाउनवर्ड चैनल में एंटर हो चुकी है और इसकी इंडिकेशन मैंने यहां से दे दी थी कि मार्केट का यहां से रिवर्सल शुरू हो सकता है। वजह क्या थी, वजह मैं आपको बता दूं, उसकी वजह क्या थी, अगर हम डेली पे जाएं, थोड़ा सा इसको जूम आउट करें और इसको लाइन चार्ट पे लाएं, वजह इसकी ये थी, बेरिश डाइवर्जेंस, ठीक है। मैंने आपको उस वक्त भी बता दिया था कि सबसे बड़ा बेरिश डाइवर्जेंस यहां पे मिला था, तो यहां से मार्केट के एकदम बगैर रिट्रेसमेंट के यहां तक गई थी ये, ठीक है। इसको मैं रेड कलर दे देता ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में, ठीक है। और अब अगर हम यहां देखें, यहां पे ये डाउन साइड पे आ रही आरएसआई पे जो है, अब देखें कैसा कितना बड़ा डाइवर्जेंस आ रहा था, यहां से ये मार्केट अपसाइड शो कर रहा है जो इंडेक्स है, लेकिन आरएसआई जो है वो डाउनवर्ड शो कर रहा है। तभी मैंने कहा था कि यहां से अब आप ऊपर जाती है तो सेल अपॉर्चुनिटी है, मैंने लिखा था इसमें सेल ऑन स्ट्रेंथ, आप देख सकते हैं मेरी वीडियो। तो होपफुली ये आपके लिए, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगा, जो सीख रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो ये मैंने आपको वजह बता दी थी, ठीक है। तो अभी अगर हम देखें तो ये मार्केट इस वक्त एंटर हो चुकी है डाउनवर्ड चैनल में, इसको मैं वापस इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, जूम आउट भी कर देता हूँ और एक्सपेंड भी कर देता हूँ, ठीक है। तो नीचे कर लें थोड़ा और इसको थोड़ा जूम इन कर लें, ये आ गया, जूम इन हो गया, एक्सपेंड भी हो गया थोड़ा सा ये। तो अभी करंट सूरत हाल अभी फिलहाल जो है वो यही है, ठीक है। तो मुझे लगता है रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप इसको देख लीजिएगा, मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ, ठीक है ना। वीकली पे लेवल्स जो है वो सीपीआर के बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप सीपीआर के लेवल्स देख लें, 47,872, 47,672 और 47,440, ये लेवल्स हैं, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखें अगर इसके ऊपर मार्केट जो है सस्टेन करती है। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे रिजेक्शन ना आए, ठीक है। ये वाला एरिया जो है 48,200, ठीक है, 217 समझ लें, 220, 230, 300 तक भी जो है यहाँ पे कोई रिजेक्शन ना है, रिजेक्शन करके वीक क्लोजिंग फिर वापस यहाँ दे रही है लोअर बैंड पे या मिडिल बैंड पे, तो थोड़ा कॉशियस रह के काम करें। अब इस वक्त यहाँ तक तो आप सेल ही करना, अभी इस वक्त आपने 48,200 से लेके 48,600 ये सेलिंग एरियाज हैं। इवन ये वाला भी एरिया ले लें आप, छोटा सा एरिया है 48,400, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको बता दूं 48,200 से लेके 48,600 तक सेलिंग एरिया है, ठीक है। इस इन बिटवीन आपको पता चल जाएगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी देख लें और आपको वॉल्यूम से भी अंदाजा हो जाएगा कि डेली वॉल्यूम कितने जनरेट हो रहे हैं और मार्केट में जो है इंडेक्स कितना अप्रिशिएट कर रहा है, ऊपर की जानिब जा रहा है विद इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो उससे भी अंदाजा हो जाएगा। और फिर सियासी बात है, 5 दिन का वीक होता है तो आपको वीकली क्लोजिंग जो है आपको अच्छा खासा एक अच्छी पिक्चर आपके सामने वीकली क्लोजिंग आपको दे देगी। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए अभी तो इस वक्त तो ये जाहिर सी बात है, ये
बुलिश सिग्नल दे रहा है यहाँ पे, लेकिन मैंने अभी भी रिपीट कर रहा हूँ कि ये इतने मतलब ये ना समझे कि यहाँ से फॉरन एग्रेसिव आपने बाइंग शुरू कर दी, क्योंकि हमेशा मैंने विटनेस किया है और आपने भी विटनेस किया होगा कि जब भी इसका इस सिमेट्रिकल ट्राइंगल भी मैं आपको बता रहा था यहाँ पे बन रहा है, आप मेरी पिछली वीडियो देख लें, तो ये फॉलिंग वेज सिमेट्रिकल ट्राइंगल इनका ब्रेकआउट अपसाइड और डाउन साइड बहुत जरूरी है फॉर फर्दर एनालिसिस, ठीक है, कि आप मार्केट का समझेंगे यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट का क्या, फिर वापस यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है और इसके ब्रेकआउट के बाद पता चल जाएगा कि मार्केट का यहाँ से अप ट्रेंड शुरू हो गया है। तो मार्केट वैसे डेली चार्ट पे देखें तो अप ट्रेंड में ही है, मैं आपको एक थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, आपको पहले ही बताया था एम ए 200 और एस एम ए 200, ये आप ले लेंगे डेली पे, आप इसको अप्लाई करेंगे, ये 200 मैंने बाई डिफॉल्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर अब इसको हम देखें थोड़ा सा, इसको मैं जूम आउट कर दूं, ये है तो मार्केट अभी काफी जो है अप ट्रेंड में, काफी ऊपर है, एक 42,000 तकरीबन 100 का ये लेवल बन रहा है, अगर इसको ब्रेक करता है इंडेक्स तो फिर ये मार्केट डाउन ट्रेंड में आ जाएगी, लेकिन अभी डाउनवर्ड चैनल में है मार्केट, ठीक है ना। मुझे मेरे लफ्जों को जरा जरा गौर से सुना करें, बहुत से लोग शिकायत करते हैं, तो मैं मे का लफ्ज यू करता हूँ, कैन का लफ्ज यू करता हूँ, डेफिनेट, क्योंकि इसमें डेफिनेट है ही नहीं, कोई भी चीज प्रिडिक्शन नहीं करता है, टेक्निकल एनालिसिस जो है आपको जो है खाली इंडिकेशन देता है यहाँ पे, तो टेक्निकल जितनी भी चीजें इंडिकेट कर रही होती है। तो अभी भी जो मैं बोल रहा हूँ कि डाउनवर्ड चैनल में है, डाउन ट्रेंड में नहीं है, ठीक है ना, तो इसमें कोई घबराहट की बात भी नहीं है कि वो डाउन ट्रेंड में आ गया मार्केट जो है क्रैश हो गया, ऐसा नहीं है, डाउनवर्ड चैनल में एंटर हो चुकी है, तो कहीं से भी जो है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कुछ भी हो सकता है, तो रिस्क मैनेज ऑब्वियसली टेक्निकल का काम ही रिस्क मैनेज करना है, तो आप इसे अपने हिसाब से ये रिस्क मैनेज आप करें। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।